और आइए अपनी खास पेशकश की तरफ रुख करते हैं। दिल्ली 70 में राजौरी गार्डन का किस सियासी समीकरण क्या कुछ कहता है, देखिए हमारी खास पेशकश दिल्ली 70। कौन जीतेगा दिल्ली की सियासी बाजी, किसे मिलेगी दिल्ली की गद्दी? चुनावी विसात पर हर पार्टी शह और मात का खेल खेल रही है। सत्ताधारी आम आदमी पार्टी को सत्ता बचाने की चुनौती है, तो बीजेपी सत्ता का वनवास खत्म करना चाहती है। वहीं कांग्रेस अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटी है। इसी सियासी जोर आजमाइश के बीच न्यूज नेशन की टीम पहुंची राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में, ये जानने के लिए कि बीते 5 सालों में यहाँ विकास की कैसी बयार बही है। पिंक लाइन और ब्लू लाइन मेट्रो से कनेक्टेड रिंग रोड की दहलीज पर बसा हुआ पश्चिमी दिल्ली का ये पॉश इलाका राजौरी गार्डन है, जो अपनी मेन मार्केट और मॉल्स के लिए मशहूर है। लेकिन राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में बहुत से इलाके हैं जिसमें अवैध कॉलोनियां भी है और झुग्गी बस्ती भी, पंजाबी बहुल इलाका माना जाता है। लेकिन अकाली दल के बीजेपी से अलहदा होने के बाद, सिरसा के अलग होने के बाद, इसका सियासी समीकरण में कितना असर पड़ेगा, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की कैसी स्थिति रहेगी, हम आपको नब्ज से वाकिफ कराएंगे कि वाकई राजौरी गार्डन में जो रौनक है वो राजनीति के लिहाज से किस कदर मायने रखती है। राजौरी गार्डन सीट को कांग्रेस का पुराना गढ़ माना जाता है, लेकिन फिलहाल यहाँ से शिरोमणि अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा विधायक है। हालांकि इस बार के चुनाव में बीजेपी ने यहां से रमेश खन्ना को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2017 उपचुनाव में मिली हार का बदला चुकाने के लिए धनवंती चंदेला को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने अमनदीप सिंह पर भरोसा जताया है। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी को केजरीवाल सरकार के विकास कार्यों के सहारे जीत का भरोसा है, तो वहीं बीजेपी उम्मीदवार रमेश खन्ना दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। मेरे यहाँ पे सीवर की बहुत ज़्यादा समस्या है, जिस दिन 2013 के बाद कोई काम नहीं हुआ है यहाँ पे, तो एक मेरे यहाँ पार्किंग की ज़्यादा समस्या है। जो जन समस्या है उनके लिए तो मुझे करना ही पड़ेगा, लेकिन केजरीवाल जी ने जो काम किए हैं, जैसे स्कूल बनाए हैं, दूसरा हॉस्पिटल है, जो बिजली फ्री की है, पानी फ्री किया है, तो जनता उनसे भी बहुत खुश है। देखिए, सबसे पहला मुद्दा तो ये है कि जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, इसने एक बड़ी चतुराई के साथ लोगों को लाभ पहुंचाया है। हम उस लाभ के खिलाफ नहीं हैं, हमारी सरकार आएगी, हम उन लाभों को जारी रखेंगे, लेकिन इस सरकार ने 2 साल पहले से जेब काटनी शुरू करी लोगों की, फिक्स रेट बढ़ा दिए, ज़्यादा धन एकत्रित कर लिया और आज सब्सिडी के नाम पर उनके पैसे देकर वाहवाही लूटी जा रही है। जबकि हमारा ये कहना है कि अगर आपने 2 साल पहले तक से पहले इन बिजली कंपनियों को लाभ पहुंचाना शुरू किया, तो आप अपने खजाने से पैसे क्यों दे रहे हैं, उन्हीं कंपनियों के हलक में से निकाल कर इन गरीबों का हक इनको दें, हमारा केवल मात्र इतना सा विरोध है। नेताओं के इन दावों की पड़ताल में न्यूज नेशन की टीम ने राजौरी गार्डन इलाके के लोगों की जुबानी यहां के विकास की कहानी को जाना, तो फ्री बिजली पानी, सीसीटीवी और वाईफाई को लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई। सीसीटीवी लगने से कितना सेफ महसूस कर रहे हैं, और वाईफाई भी लग गया क्या उसके साथ? हाँ, सीसीटीवी और वाईफाई दोनों लग गए हैं, लोग तो उससे काफ़ी हमारे अब सेफ हो गए, अपने आप सब सेफ्टी भी महसूस करते हैं। लेकिन मैं एक चीज़ जो बोलना चाह रहा हूँ, खाली आप ने मेरे से राजौरी के बारे में पूछा, लेकिन हमारी जो आने वाली जनरेशन है वो हमसे पूछ रही है कि इस 5 सालों में केजरीवाल ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया जो इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे डेवलप हो, कोई नए स्कूल नहीं बने, कोई कॉलेज नहीं बने, कोई ब्रिज नहीं बने, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई हॉस्पिटल नहीं बने, तो हमारी जो आने वाली जनरेशन है, हमारे बच्चे, मोहल्ला क्लिनिक तो है रिंग रोड पे राजौरी गार्डन में ही है। सर, हमने तो कोई मोहल्ला क्लिनिक अभी तक देखा ही नहीं, अगर है भी सही, वहाँ नाम पे अगर आप जाके विजिट करेंगे वहाँ पर, आज तक मैंने कोई मोहल्ला क्लिनिक खुली हुई देखी नहीं आज तक। इस विधानसभा क्षेत्र में महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे प्रमुख मुद्दा है। सीसीटीवी लगने के बावजूद इलाके में झपटमारी की वारदात होती रहती है। वहीं बसों में मुफ्त सफर की केजरीवाल सरकार की सौगात को महिलाएं चुनावी दांव बता रही हैं। राजौरी गार्डन इलाके में महिलाओं की क्या सोच है, हम ये भी तटोलने की कोशिश करेंगे। सेफ्टी सबसे पहली चीज़ की अगर बात करें, कितना सेफ आप अपने इलाके में समझते हैं? मॉल्स हैं, मार्केट है, सब कुछ है, मेट्रो है, लेकिन सेफ्टी कितनी?
हम यहाँ पे रात को 8 बजे के बाद नहीं निकल सकते, लाइटिंग की इतनी प्रॉब्लम है, बिकॉज एडजेसेंट पार्क्स भी हैं और ट्रीज़ भी है इतने ज़्यादा, तो लाइटिंग की वजह से एंड अदरवाइज ऑल्सो पेट्रोलिंग इज़ ऑल्सो वेरी पुअर हेयर, हम लोग बिल्कुल भी सेफ नहीं फील करते यहाँ पे कि अगर कोई CCTV लगाए गए हैं उससे कुछ फ़र्क पड़ता है। और राजौरी मार्केट में भी इतनी अभी थेफ्ट प्रॉब्लम्स इतनी हुई हैं, मेन मार्केट में भी हुई हैं, नेहरू मार्केट में भी हुई हैं, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे ये वेस्ट दिल्ली एरिया और राजौरी स्पेसिफिकली बिल्कुल भी सेफ नहीं रहा। अगर ऐसे होम मेकर बात करें तो महंगाई ये ऐसे मुद्दे कितना प्रभावित करते हैं, क्योंकि कहा जा रहा है महंगाई है, बेरोजगारी है। नहीं, महंगाई तो है ही है, ये तो एक लॉलीपॉप है कि अभी जो है बसेस फ्री कर दी हैं, अब देखो कब तक करते हैं ये लोग। कहा जा रहा है सरकार दोबारा बनी तो हम मेट्रो भी फ्री करवा देंगे महिलाओं के लिए। बननी नहीं चाहिए ये तो, ये सरकार आनी नहीं चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि आप फिलहाल जो सब्सिडी वाला है, गैस की बात करें, गैस की नहीं अगर बिजली की बात करें, पानी की बात करें, उससे कुछ खुश हैं? नहीं, हम तो बिल्कुल खुश नहीं हैं, क्योंकि ये तो एक बल्कि वो अपने देश को वो करने के लिए है कि आप उसकी ग्रोथ को रोक रहे हैं, तो ये तो बिल्कुल टाइम बींग के लिए है, ये सिर्फ अपने वोट्स लेने के लिए है और कुछ भी नहीं है। पॉश कॉलोनियों में केजरीवाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड लेने के बाद न्यूज नेशन की टीम इलाके के मोहल्ला क्लिनिक पहुंची, लेकिन वहां मरीज और डॉक्टर तो नहीं दिखे, बल्कि ताला जरूर लटका नजर आया। अरविंद केजरीवाल की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं में से मोहल्ला क्लिनिक है, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक रजौरी गार्डन हम पहुंचे हैं जो फिलहाल बंद है, और इसकी टाइमिंग की भी अगर बात करें तो सुबह 8 बजे से लेकर 2 बजे तक है, यानी वो समय जो बहुत कम है, क्योंकि आमतौर पर 4-5 बजे तक अस्पताल खुलते हैं, लेकिन मोहल्ला क्लिनिक जल्दी बंद हो जाता है। ये भी संभव है कि डॉक्टर चले गए हों या कोई और वजह हो, लेकिन फिलहाल मोहल्ला क्लिनिक बंद नज़र आ रहा है। तो जो सबसे बड़ी योजना थी अरविंद केजरीवाल की, वो रजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र रिंग रोड के करीब बहुत ज्यादा सफल होती हुई नजर नहीं आ रही है। राजौरी गार्डन सीट में विकास की रियलिटी चेक के दौरान हमने ये भी जानने की कोशिश की कि विधानसभा चुनाव में CEA और NRC का मुद्दा कितना असरदार है। सर, आपसे आना चाहेंगे, राजौरी गार्डन में बहुत से जो लोग हैं वो पाकिस्तान से आए हैं एक जमाने से पहले, अब जो मुद्दा है CEA का कि पाकिस्तान बांग्लादेश से जो भी आना चाहे, अफगानिस्तान से आना चाहे, उन्हें वेलकम किया जाएगा, आप किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि आपके भी फोर फादर्स ने कहीं ना कहीं पार्टीशन का दंश सहा होगा? नहीं, मैं ऐसा तो नहीं सोचता, लेकिन ये है कि जो ये BJP गवर्नमेंट कर रही है, CEA कर रहे हैं, दिस अ वंडरफुल थिंग एंड इट शुड बी वेलकम बाई ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, लेकिन ये जो अपोजिशन पार्टीज है दे आर जस्ट डूइंग हल्ला गुल्ला टू डाइवर्ट द अटेंशन ऑफ पीपल, अदरवाइज दिस इज वंडरफुल वर्क। आज जितनी विरोधी पार्टी हैं वो सब BJP की खिलाफत करने के लिए लगी हैं। CEA का मुद्दा आपने भी बात इनसे पूछी, उस मुद्दे से किसी भी भारतीय नागरिक का कोई लेना देना नहीं है, इसके बावजूद बड़े बड़े जगह, बहुत सारी जगह लोग इकट्ठे हो रहे हैं और इसकी खिलाफत कर रहे हैं। 2015 के चुनाव में यहां से आम आदमी पार्टी के जनरल सिंह जीते, लेकिन पंजाब की राजनीति में सक्रिय होने के चलते उन्होंने 2017 में इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद हुए उपचुनाव में BJP अकाली दल के मनजिंदर सिंह सिरसा ने ये सीट जीती। चुनाव नहीं लड़ रहे सिरसा अपने विकास कार्यों को गिना रहे हैं, तो BJP उम्मीदवार को सिरसा का साथ मिलने की पूरी उम्मीद है। 25-30 साल में जो नहीं कोई कर पाया, हमने वो करके दिखाया। सारी विधानसभा में नई सड़कें बना के दी। सबसे बड़ा जो काम हुआ है, जो 70 विधानसभाओं में नहीं हुआ और केवल एक ही में नहीं हुआ है, वो है हाइड्रोलिक वाटर रिमॉडलिंग, जिसके चलते अभी जो मोटरें हैं वो हटा रहे हैं और पीने का पानी बिना मोटर के चौथी मंजिल तक पहुँचा रहे हैं। ये दिल्ली की पहली और अकेली विधानसभा है जो 140 करोड़ के लगभग लागत से काम शुरू हुआ। देखिए, अलग होने का प्रश्न नहीं है, कुछ बातें परिवार के अंदर थोड़ा सा डिस्प्यूट खड़ा कर देती हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरी अपने विधायक से बात हुई है, उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं बिल्कुल पूरी तरह से पार्टी के साथ हूं और आपका पूरा समर्थन करूंगा, पूरा सहयोग दूंगा। राजौरी गार्डन विधानसभा क्षेत्र में सिख समुदाय के लोग ज्यादा संख्या में रहते हैं, लेकिन इस बार शिरोमणि अकाली दल के चुनावी मैदान से हटने के बाद यहाँ की चुनावी तस्वीर कितनी बदली है, हमने संतनगर इलाके के लोगों से जाना। चौखंडी ख्याला इलाके का विकास कितना हुआ? हमारी सबकी यही सोच थी कि सरदार मनजिंदर सिंह सिरसा जी को ही लाना है,
उनके आगे और कोई हमें नजर ही नहीं आ रहा इस टाइम भी, हम किसको वोट देंगे ये हमें अब सोचना पड़ेगा। जब इस इलाके में जब आए थे सिरसा साहब, उन्होंने मेरे को 2.5 साल के पूरे टेन्योर में दिखा दिया कि 2.5 साल में अगर वो बंदे इतना काम कर सकते हैं तो अगर उनको 5 साल और दे देंगे तो वो क्या कर देंगे। बिजली पानी के बिल क्या जीरो आए हैं नहीं आए हैं? नहीं, जीरो तो आए हैं, वो तो आपकी बात सही है, पर आप आगे आए ना आए इसकी कोई गारंटी नहीं है। बाकी हम यही चाहते हैं जो अब ये जो आए हैं जो ऐसी हो तो अच्छी बात है। राजौरी गार्डन अपने मार्केट के लिए भी मशहूर है, लिहाजा कारोबारियों के बीच चुनावी तपिश को मापने के लिए हमारी टीम ने यहाँ के मार्बल मार्केट का रुख किया। हम तो सरकार से यही विनती करेंगे और जो भी कैंडिडेट हमारे यहाँ से चुन के जाएगा उनसे हम यही विनती करेंगे कि हम व्यापारियों का पक्ष सुन के जो भी सही फैसला हो सरकार के सामने रखे और सरकार उसमें हमारा साथ दे। आई डोंट से सीलिंग गलत था, सीलिंग वॉज रिक्वायर्ड, क्योंकि इट इज़ नॉट लाइक कि एकदम से सीलिंग का पूरा आ गया। काफ़ी व्यापारियों को ऑलरेडी पहले बताया गया, कुछ को नहीं पता चला था, लेकिन सीलिंग के कारण एक जो आप पॉसिबिलिटी देख रहे हैं यहाँ पे कि हमारे पास में पार्किंग स्पेस आ गई है। अगर मेरे पास में कस्टमर्स के लिए पार्किंग स्पेस ही नहीं रहेगी तो कस्टमर्स आएंगे कैसे मेरे पास में? तो दोनों चीज़ों के प्रोज एंड कॉन्स दोनों तरफ पे थे। आज विधानसभा में चुनाव हो रहे हैं, चलो सीलिंग अभी रुकी, अचानक आगे क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता है। पॉश कॉलोनियों और बाजारों का रुख करने के बाद हमारी टीम का अगला पड़ाव बनी इस विधानसभा क्षेत्र की झुग्गियां कॉलोनी। बीते 5 साल में यहां की तस्वीर कितनी बदली, लोगों को बुनियादी सहूलियतें मिली या नहीं, हमारी टीम ने ये भी जाना। बिजली और पानी का बिल खत्म हुआ यहां पर आता है? नहीं आता है, बिजली के बिल नहीं आता है, पानी के बिल नहीं आता है। और हम लोग का झुग्गी जाती मकान दे देगा 12.5 गज का हम लोग को जमीन चाहिए, अगर केजरीवाल दे देंगे तो हर बार में उसी को जिताएंगे। पानी की समस्या बहुत ज्यादा है, पीने का पानी नहीं है हमारे यहाँ। तो क्या पानी की समस्या है, पानी साफ नहीं आता है यहाँ? तो पानी मोटर का खारा आता है, पीने वाला कोई पानी नहीं आता है। शौचालय बनवाया, टोटी लगवाया, सड़क बनवाया, सारा सब चीज करा, केजरीवाल तो बहुत अच्छा करा सब चीज। राजौरी गार्डन विधानसभा सीट पर इस बार बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच ही मुख्य मुकाबला देखने को मिल सकता है, लेकिन कांग्रेस भी यहाँ गेम चेंजर बनकर बड़ा उलटफेर कर सकती है। राजौरी गार्डन से राहुल डबास के साथ टीम न्यूज़ नेशन।